नमस्कार, वेज कुकिंग विद अनु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सभी को पसंद होती है। गुलाब जामुन को कई तरह से बनाया जाता है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ जो मार्केट में गुलाब जामुन का रेडीमिक्स पाउडर मिलता है उससे। उससे गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में तो बिल्कुल बहुत ही लाजवाब लगती है गुलाब जामुन, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें तरीका आना चाहिए बनाने का, तो फिर आप बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन मार्केट के रेडीमिक्स पाउडर से भी बना सकते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे रख देते हैं चाशनी पकने के लिए। तो यहाँ पे एक बर्तन में मैं ले रही हूँ ये 1 कप चीनी, 2 कप और आधा कप, तो मैंने टोटल 2.5 कप चीनी ली है। सेम उतना ही हम इसमें पानी भी डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला, 2 कप और यहाँ पे 1/2 कप और, तो यानी कि टोटल 2.5 कप चीनी के लिए मैंने 2.5 कप इसमें पानी डाला है। तो इस चीनी पानी को हम गैस पे रख देते हैं घुलने के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद हम चेक करके देखेंगे। चाशनी हमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी या 1 या 2 तार की नहीं बनानी है, बस ये चाशनी में हल्की सी चिपचिपाहट होनी चाहिए, बहुत जरा सी। तो अभी हम इसे पकने देते हैं। अब चाशनी तो हमने रख दी पकने के लिए, माप भी आपको बता दिया कि हमने कितनी चाशनी बनानी है, कितना चीनी और कितना पानी लेना है, लेकिन उतनी चाशनी हमें कितनी गुलाब जामुन के लिए बनानी है तो ये मैंने बताया नहीं है, तो अब मैं अब बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स जो है 250 ग्राम। इतने मिक्स के लिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कभी भी आप यही कोशिश करें कि चाशनी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, कम नहीं हो, क्योंकि गुलाब जामुन जो है चाशनी में जाने के बाद चाशनी को काफ़ी ज़्यादा हद तक एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि जो भी साइज़ गुलाब जामुन का होता है वो चाशनी के वजह से ही अच्छे से फूल के बड़े बड़े होते हैं। तो चाशनी में आप कमी ना करें, चाशनी जो है बराबर मात्रा में बनाएं या थोड़ा ज़्यादा ही बनाएं। तो चलिए, ये गुलाब जामुन मिक्स का हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डाल के इसे मिक्स करते हैं, बहुत हार्ड डो नहीं लगाना है हमें, स्मूथ सा रहना चाहिए, जैसा हमारा रोटी का आटा होता है बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पे देखिए, सभी को मैंने इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन अभी ये स्मूथ नहीं हुआ है अच्छा सा, जिससे इसे बढ़िया सी गोलियाँ बन सके गुलाब जामुन की। तो इसे हमें थोड़ा सा गूंथना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और बिना क्रैक्स की इससे हम गोलियाँ बना पाएं। अगर ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भी इसे गूंथें। ये देखिए, चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी है चाशनी में। अब यहीं पे हम डाल देंगे 2-3 कुटी हुई इलायची। तो चाशनी हमारी लगभग तैयार लग रही है, इसे हम 2 मिनट और पका लेंगे, क्योंकि ये हाथों में चिपकना स्टार्ट हो गई है, तो हमें बस इसी तरह की चाशनी चाहिए गुलाब जामुन के लिए। तो गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसे बनने में मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए, डो लगा के तैयार कर लिया है मैंने, जैसा रोटी का आटा हम गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही है, उतना ही नरम। तो अभी हम इसे ऐसे ही ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसका गुलाब जामुन बनाएंगे। तो ये देखिए, ये डो लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसमें कि 1/5 कप पानी बचा हुआ है, तो इसे रखे हुए हो गए 10 से 12 मिनट। आप ये जरूर सोच लें कि जितना बड़ा गुलाब जामुन बनाएंगे वो चाशनी में डूबने के बाद उसका डबल होगा, तो उसी हिसाब से आप बनाए उतना ही बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा ना बना लें। तो हाथ में हम थोड़ा सा लगाएंगे घी, ताकि बहुत ही स्मूथ गोलियां बनेंगी इसकी, थोड़ा सा भी उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से एक टुकड़ा हम उठा रहे हैं और हाथ पे ऐसे दबाते हुए हमें इसको गोल करना है, बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो फिर इसमें क्रैक नहीं आएंगे। अगर थोड़ा भी क्रैक रहेगा तो वो फ्राई करते हुए तेल में और ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा।
गुलाब जामुन फट से जाएंगे पूरे। ये देखिए इस तरह से दबाते हुए, स्टार्टिंग में हम इस तरह से दबाते हुए, फिर बाद में हम इसे पूरा गोल कर लेंगे। ये देखिए इसमें कहीं से भी बिल्कुल भी क्रैक नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से हमें सभी को बना लेना है। इसका साइज आप थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाया जितना बड़ा। तो ये देखिए गुलाब जामुन बॉल्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। करीब 26 गुलाब जामुन बने हैं पूरे डो से। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करने चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हमें मीडियम गरम तेल में ही गुलाब जामुन को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं रहना चाहिए। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। और साइड में अगर गुलाब जामुन की जो चाशनी हमने बनाई थी अगर वो ज़्यादा ठंडी हो गई है तो उसे हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। एक गुलाब जामुन हम तेल में डाल के देखते हैं कि तेल हमारा इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि नहीं। तेल में थोड़ी सी कसर बाकी थी लेकिन कोई बात नहीं, अब वो हो गया है परफेक्ट गरम। तो अब हम इसे निकाल ही लेते हैं, उसके बाद ही दूसरी गुलाब जामुन डालेंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथ से सब साइड से घुमाते हुए फ्राई करना है। इसे मैं डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा सा गाढ़ा या हल्का भी इसे फ्राई कर सकते हैं, जैसा कलर आपको गुलाब जामुन का पसंद है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, जैसा कि होता है गुलाब जामुन का। तो यहीं पे अब हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद एक चीज आपको ध्यान देनी है कि तुरंत ही इसे चाशनी में नहीं डालना है। तो ये देखिए इन्हें फ्राई करते हुए ही इनका साइज कितना बड़ा हो जा रहा है, और चाशनी में जाने के बाद तो ये और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये जो पहले के तले हुए गुलाब जामुन थे इसे हम डाल देते हैं चाशनी में। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं, ये भी हो गए हैं। और 30 सेकेंड्स रुकने के बाद फिर इसे भी हम चाशनी में डाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे और 30 सेकेंड तक रुकने के बाद फिर हम उसे चाशनी में डुबेंगे। तो सभी को हमने चाशनी में भी डीप कर लिया है और इसे हम ढक के छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए 1 घंटे बाद गुलाब जामुन जो है अपने साइज से भी बड़े हो गए हैं और चाशनी भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, मतलब ये गुलाब जामुन ने चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो चलिए एक गुलाब जामुन मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि वो अंदर से कैसे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंदर से भी ये कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है गुलाब जामुन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर
क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।